नमस्कार दोस्तों, एक बार बहुत स्वागत है आपका दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है शताब्दी सपोर्ट। दोस्तों, हमने कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो दिखाया था अकरकरा के बारे में। उस समय जो हमने आपको वीडियो दिखाया था वो हमारी जो फसल खड़ी हुई थी खेत में उसके बारे में बताया था। आज जो उससे उत्पादन हमारा पैदा होता है, मैं उसके बारे में आपको दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ ये देख सकते हैं कि सारे जो ये पैकेट हैं, इस सब इसमें अकरकरा लगा हुआ है जी। ये मॉइस्चर की वजह से हमने इसको पूरे रूम में भर के रखा है पॉलीथीन से ढक के। एक ये है, इधर है, ये रहता है आपका अकरकरा ड्राई ओट्स। इस तरीके की हमको इससे जड़ प्राप्त होती है। ऊपर से बस जो पेड़ होता है, जो हमने उसमें आपको दिखाया था, उसको निकाल के और यहाँ से बस काट दिया जाता है। उसके बाद में इसको मिट्टी साफ करके ऐसे ही सुखो दिया जाता है ना। इसको सतावर की तरह ना ही हमको उबालना है ना ही इसको छीलना है। दोस्तों, हम आपको ये पहले भी बता चुके हैं कि ये अनुमानित लगभग 5 से 6 महीने की फसल है, जिसको किसी भी मिट्टी में किया जा सकता है, बस उसमें ज़्यादा बरसात का पानी ना भरे। दोस्तों, हम आपको बताएं, आप यहाँ इसमें जड़ों में देख सकते हैं कि ये मूली की तरह सादा एक सिंगल जड़ होती है, उसको बस निकाल के और यहाँ से उसको काट के और उसको सुखो दिया जाता है। सुखोने के बाद में उसको इतना सुखाया जाता है कि हम उसको जब तोड़ें तो वो टूट जाए, वो मुड़ना नहीं चाहिए। दोस्तों, इसकी खेती का जो बुवाई का समय है वो अब से कुछ दिन बाद आने वाला है, यानी कि आप इसको लास्ट सितंबर में भी इसको बो सकते हैं। दूसरा क्या है, इसके लिए सर सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो आपकी होती है बीज। बीज से ये तात्पर्य है कि बीज तो इसका नवंबर, इसका बीज आपको फरवरी मार्च में मिलता है, लेकिन उस बीज को सही से रखने का तरीका, क्योंकि इस समय की बुवाई तक आधे से ज़्यादा बीज उसमें डैमेज हो जाता है। हम इसकी फसल लगातार करते हैं, इसलिए हम इसका बीज अपने पास कोल्ड स्टोरेज में उपलब्ध कराते हैं। साथ ही दोस्तों, हम आपको बताएं, इसमें 1 एकड़ में हमारा 4 केजी तक बीज बोया जाता है। बीज की बुवाई का एक साधारण तरीका होता है, खेत में क्यारी को बनाकर उसमें पानी भर के और बीज की पत्तियों को, उसको फूल होता है इसका, वो हमारा कोल्ड स्टोरेज में है, वरना हमें अभी आपको उसका डेमो भी दिखाते हैं। होता क्या, उसकी पत्तियों को बस तोड़ के और बालू जो होती है उसमें मिला के उसको आराम से ऐसे बिखेर दिया जाता है। बिखेरने के बाद में पानी भरे होने की वजह से वो चिपक जाता है और उसमें लगभग 8 से 10 दिन में उसका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। साथ ही दोस्तों, ये हमारी एक इतनी अच्छी फसल है कि आज का इसका रेट 350 रुपये केजी तक का है और इसका उत्पादन हमारा 1 एकड़ में 6 क्विंटल तक आराम से प्राप्त होता है। साथ ही दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि जो इसकी फसल होती है उसमें ऊपर एक फूल टाइप का आता है फ्लावर, मैं आपको अगली वीडियो में वो भी दिखाऊंगा। उस फूल को ही तोड़ के हम सुखा के उसका हम बीज तैयार कर लेते हैं। और रहा इसकी खुदाई का सवाल, तो ये सिर्फ मूली से भी कम, इतनी 9-10 इंच तक जड़ जाती है ज़मीन में। 9-10 इंच तक जाने के बाद में इसको साधारण खुरपी से खोद दिया जाता है और ऊपर से काट के उसको मिट्टी को झाड़ के और साधारण सुखा दिया जाता है आपका अधिकतम 4 से 5 दिन के टेम्परेचर में, क्योंकि इसकी खुदाई मार्च अप्रैल में होती है। उस समय आपका 4 से 5 दिन में ये सूख के एकदम, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था, ये इस तरीके का हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये एकदम कम्प्लीट अकरकरा है। यहाँ से इसको काटा जाएगा, जो ये है, ये जड़ है, ऊपर से ये पूरा पेड़ होता है, इसको यहाँ से तोड़ के इस तरीके से, ये आपका साथ ही दोस्तों, ये अभी हमारे पास खरीदा हुआ भी है और हमने खुद भी किया था, तो ये हमारा लगभग 15 टन अकरकरा मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ स्टॉक में है करंट में। एक ये रूम है, एक ये है, यहाँ है, एक ये रूम है आपका पूरा भरा हुआ। साथ ही एक ये पूरा स्टॉक हमारा भरा हुआ है गोदाम। दोस्तों, मैं इसमें आपको ये बताता हूँ, ये समय जो हमारा अकरकरा का जो सीज़न है वो बहुत अच्छा चल रहा है। कुछ दिन पहले हम आपसे ये कहा करते थे, कुछ कॉल्स आती थी कि अभी अकरकरा के बारे में, तो हम आपसे बोल देते थे कि अभी इसका रेट डाउन है। अब दोस्तों, इसका एक बार दोबारा से रेट बहुत अच्छा हुआ है। जिस किसान भाई को हमसे बीज चाहिए तो वो हमसे बीज ले सकता है।
दोस्तों, ये बीज लेने के लिए आप हमारे जो ऊपर डिस्प्ले पे आपके नंबर आ रहे हैं, आप उन पे कॉल कर सकते हैं। और कोई भी समस्या के लिए आप हमें सतावर से संबंधित या अकर ग्रह से संबंधित जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसके लिए आप हमें कॉल कीजिए। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपकी अधिक से अधिक समस्याओं का समाधान करें। और प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।